ये है दोस्तों, जो वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए त्रिपुरा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीटेट 2019 पेपर वन एंड पेपर टू के लिए ये है प्रोस्पेक्टस काम इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इस वीडियो पे मैं फुल डिटेल्स दिखाऊंगा। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए जो क्वालिफिकेशन पेपर वन और पेपर टू के लिए और एप्लीकेशन फी जो सबमिट करने के लिए, ठीक है, और डिटेल्स भी दिखाऊंगा, सिलेबस सारे डिटेल्स, ठीक है। आज देखिए दोस्तों, त्रिपुरा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 पेपर वन एंड पेपर टू, ठीक है, एस पर रिलैक्सेशन, ठीक है, क्राइटेरिया MSRD नोटिफिकेशन जो 4 जनवरी 2019, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, आज से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। TRBT ये वेबसाइट पे लॉगिन करके ऑनलाइन सबमिशन करने होगा, जो 30 अप्रैल 2019 फ्रॉम 4 PM टू, ठीक है, और लास्ट डेट है सबमिशन करने के लिए 20 जून 2019, ये भी अप टू 4 PM, ठीक है। ये है दोस्तों ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए डेट और लास्ट डेट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट नोट्स, ठीक है, आप लोग डाउनलोड करके देख लेना अच्छी तरह से, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर TTET 2019 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट है TTET 2019 पेपर वन के लिए फॉर क्लासेस 1 to 5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ऑलरेडी BEd कर चुके हैं और लास्ट ईयर है तो अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं किया है तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए नोटिफिकेशन है, ठीक है, और प्रोस्पेक्टस भी है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% है तो, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना। यहाँ पर देखिए सीनियर सेकेंडरी 50%, ओके। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जो वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी जो पेपर वन के लिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ओके, रिलैक्स नोटिफिकेशन एज पर MSRD नोटिफिकेशन डेट है 4 जनवरी 2019 पे, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आ चुके हैं जो वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए। ये है दोस्तों पेपर वन के लिए। और उसके बाद और भी ऑप्शन है, ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं जो रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों TTET पेपर टू के लिए 2019 फॉर क्लासेस 6 to 8, ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, जो ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पर 50% मार्क लेके पास है तो और BEd भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, और 45% है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पेपर टू के लिए जो वन टाइम रिलैक्सेशन है, ठीक है, मिनिमम जो ग्रेजुएशन पास है तो ये पेपर टू के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्लासेस 6 to 8, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नोट्स पे रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है, यहाँ पर 5% क्वालिफाइंग मार्क है जो SC ST और PS कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों टेस्ट फी जो ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए जो टेस्ट फी होगा, UR कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ और SC ST PS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेंट फी होगा, टेस्ट फी 200 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, कैंडिडेट्स आर तो डिपॉजिट टेस्ट फी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से ये फी देना होगा यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एनीवन से आप पेमेंट देने होगा, ठीक है, नो आर्डर मोड पेमेंट विल बी एक्सेप्ट, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, जो ऑफलाइन माध्यम से पेमेंट नहीं होगा, ओनली ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट देना होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलेबस के लिए यहाँ पर भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, मैं पहले जो वीडियो अपलोड किया था ये भी मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये TRBT वेबसाइट पे और एक जो पेपर वन और पेपर टू के लिए टू सिलेबस अपलोड
कर दिया, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लेना और मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। और नहीं तो आप लोग सिलेबस के लिए ये कॉकब्रॉक ऑप्शनल पेपर है, पेपर वाला पेपर तो के लिए, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लेना वेबसाइट पे जाके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, फर्स्ट पे टी टेट पेपर वन अंडर ग्रेजुएट टीचर्स फॉर क्लासेस 1 to 5, ठीक है। फर्स्ट पे कंटेंट ऑल कंपलसरी है, ठीक है, यहाँ पर 5 जो पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर एमसीक्यू, उसके यहाँ पर मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट पे है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये पार्ट के लिए टोटल एमसीक्यू आएगा एग्जाम पे 30 और मार्क्स भी 30 है, पर क्वेश्चन 1 मार्क है, ठीक है। उसके बाद सेल नंबर 2 पे लैंग्वेज 1 इंग्लिश, ये भी कंपलसरी है, तो 30 एमसीक्यू होगा 30 मार्क के लिए। उसके बाद दोस्तों सेल नंबर 3 पे लैंग्वेज 2 बंगाली और कॉकब्रॉक, ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शनल है, ठीक है। आप चाहे तो बंगाली भी आंसर दे सकते हो और कॉकब्रॉक भी, ठीक है, जो कॉकब्रॉक है तो कॉकब्रॉक दे सकते हैं। और बंगाली सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है पहले से, ठीक है, वेबसाइट पे, जो टीआरबी थी वेबसाइट पे। और कॉकब्रॉक अभी नया अपलोड हो गया है, ठीक है, वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। और मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कॉकब्रॉक और बंगाली से एडवांस से टोटल एमसीक्यू आएगा 30 और मार्क्स भी 30 है। उसके बाद दोस्तों सेक्शन नंबर 4 पे मैथमेटिक्स के लिए भी 30 एमसीक्यू होगा 30 मार्क्स के लिए, और एनवायरमेंट स्टडीज भी 30 एमसीक्यू होगा 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये है दोस्तों पेपर 1 जो सिलेबस पेपर 1 के लिए। उसके बाद दोस्तों पेपर 2 के लिए जो सिलेबस है ग्रेजुएट टीचर्स फॉर क्लासेस 6 to class 8, ठीक है। और यहाँ पर कंटेंट एमसीक्यूज, उसके बाद यहाँ पर मार्क्स, ये भी कंपलसरी है, ठीक है, आप लोग देख लेना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद लैंग्वेज 1 इंग्लिश कंपलसरी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज 2 बंगाली और कॉकब्रॉक, ये भी सेम है, ठीक है, जो मैं पेपर 1 सिलेबस पे ऑलरेडी डिस्कस किया, कॉकब्रॉक भी ये अवेलेबल है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लोग डाउनलोड कर लेना। और बंगाली सिलेबस तो ऑलरेडी है पहले से, ठीक है, ये भी कंपलसरी है, एनीवन आप लोग चूज कर लेना। और एमसीक्यू 30 है, ठीक है, 30 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर देखो दोस्तों सेक्शन नंबर 4 पे फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर्स के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड साइंस। और यहाँ पर ऑप्शन है देखिए दोस्तों फॉर सोशल स्टडीज टीचर्स के लिए सोशल स्टडीज है, ठीक है, ये टोटल 60 एमसीक्यू होगा 60 मार्क के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों फॉर एनी अदर टीचर्स आइदर 4A और 4B, ठीक है, जो एनी अदर टीचर्स है तो यहाँ पर एनी वन चूज कर सकते हैं, ठीक है। और साइंस जो कैंडिडेट है तो ये ए नंबर चूज कर लेना और आर्ट्स है तो ये भी, ठीक है। और एनी अदर जो टेक्निकल और एनी कैंडिडेट्स है तो ये यहाँ पर जो ए बी एनी वन चूज कर सकते हैं, ठीक है, जो 60 एमसीक्यू 60 मार्क्स के लिए। और उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पैटर्न, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर टी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी ओके विल हैव 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा एमसीक्यू टाइप जो 1 मार्क के लिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोसीड्यूर्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने के लिए जो प्रोसीड्यूर है, ठीक है, फोटो और सिग्नेचर है, ये फोटो जेपीईजी फॉर्मेट होगा ऑनलाइन, ठीक है, साइज अप टू 100 KB से ये अपलोड करने होगा और सिग्नेचर होगा 60 KB अंडर से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने के लिए वेबसाइट है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर जाके ऑनलाइन सबमिशन कर देना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए टेस्ट सेंटर टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा विल कंडक्ट टी टेट 2019 इन द 8 districts, ठीक है, ऑफ त्रिपुरा। टेस्ट सेंटर टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टी टेट 2019 पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी मेंशनड इन द एडमिट कार्ड। ये दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम देने के लिए जो एग्जाम सेंटर टाइम और ड्यूरेशन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है, मेंशन होगा
ठीक है, मेंशन रहेगा एडमिट कार्ड पे, जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा तो आप लोग देख लेना। एग्जाम सेंटर टाइम ड्यूरेशन ठीक है, और टेस्ट सेंटर में भी एनी वेयर इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा स्टेट एनी डिस्ट्रिक्ट से आपका जो एग्जाम सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एडमिशन इन टू द टेस्ट रूम, ठीक है, टेस्ट रूम जाने का जो देखिए दोस्तों यहाँ पर द कैंडिडेट शैल बी प्रेजेंट इन द टेस्ट सेंटर 60 मिनट बिफोर, ठीक है, ये टेस्ट एग्जाम होने से पहले जो 60 मिनट बिफोर यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, एंड टेक देयर रेस्पेक्टिव सीट इन द टेस्ट रूम 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स बिफोर। और दोस्तों आप लोग टेस्ट एग्जाम देने टाइम पे जो आइडेंटिटी कार्ड एनुअल ले जाने होगा, ठीक है, फोटो आईडी प्रूफ, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ठीक है, एनीवन आप लोग साथ में ले जाना होगा जो आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप लोग जो सर्कल पे ये ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करने होगा, ठीक है, जो डार्किंग करने के लिए जो सर्कल पे आप लोग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करने होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज ऑफ ओएमआर आंसर शीट, यहाँ पर क्या क्या लिखने होगा, ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट विथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, ठीक है, यूज ऑफ पेंसिल इन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, फर्स्ट पे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन कैपिटल लेटर ये लिखने होगा, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, उसके बाद फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, उसके बाद लैंग्वेज दो सेकंड लैंग्वेज ऑप्शन, ठीक है, आप लोग एनीवन जो कॉकब्रोक और बेंगोली अवेलेबल है एनीवन चूज करने होगा, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू ओनली इन केस ऑफ पेपर टू के लिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन टाइप होगा इस तरफ से, ठीक है, और यहाँ पर देखिए द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज दुबई, न्यू दिल्ली, टोक्यो, नॉन ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पर एनीवन जो करेक्ट आंसर ये इस तरफ से जो डार्क करने होगा ब्लैक बॉल पॉइंट से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों करेक्ट मेथड ऑफ एंसरिंग, और यहाँ पर इन करेक्ट मेथड ऑफ एंसरिंग, ठीक है, और इस साइड जो करेक्ट आंसर के लिए जो देखिए दोस्तों यहाँ पर इफ यू आंसर इज बी, यहाँ पर इस तरफ से इस प्रकार से डार्क करने होगा बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है, ब्लैक पेन से। और उसके बाद यहाँ पर सी है तो यहाँ पर है, ठीक है, जो आंसर करेक्ट होगा, और यहाँ पर इन करेक्ट मेथड है, इस प्रकार से फिल किया तो ये इन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों चेंजिंग एंड आंसर इज नॉट अलाउड, ठीक है, यहाँ चेंज करने के लिए जो अलाउड नहीं है आंसर, ओनली वन टाइम ये डार्क करने होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए कैंडिडेट हु सिक्योर 60% मार्क, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 90 out of 150 मार्क्स है, और मोर मार्क्स विल बी कंसिडर टू बी हैव पास्ट, ठीक है, टेट वन पास्ट ये होगा कंसिडर करेगा, ठीक है, ये है जो 60% मार्क पाने होगा 150 मार्क्स से, ठीक है, 90 जो यूआर और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और रिलैक्सेशन है 5% 83 out of 150 मार्क्स ये एससी एसटी और पीएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट इवेंट्स नोटिफिकेशन जो 1 March 2019 पे ये डेट्स पे जो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, ठीक है, मैं ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड किया था, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पर जाके भी ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए। और उसके बाद दोस्तों सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन TTET 2019 पेपर वन और पेपर टू के लिए ये देखिए दोस्तों डेट्स आज से ये शुरू हो चुकी है 30 April 2019 फ्रॉम 4 PM से, और लास्ट डेट है 20 June 2019 अप टू 4 PM तक, ठीक है, ये है लास्ट डेट और जो शुरू होने के लिए जो डेट्स है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट डेट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन TTET 2019 पेपर वन और पेपर टू 20 June 2019 अप टू 4 PM तक, ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस TTET 2019 पेपर वन और पेपर टू के लिए, ठीक है,
05/07/2019 से ये पेमेंट डेन होगा, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है, पेपर वन और पेपर टू। और उसके बाद दोस्तों डेट्स ऑफ टी टेट 2019 पेपर वन एंड पेपर टू एंड डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड ये विल बी नोटिसफाइड लेटर ऑन, ठीक है, ये नोटिस और एक नोटिस आउट होगा ये ऑनलाइन पे जो वेबसाइट पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और टेस्ट सेंटर टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टी टेट 2019 पेपर वन पेपर टू के लिए जो टेस्ट सेंटर विल बी मैंसन्ड इन द एडमिट कार्ड, ठीक है, ये पहले मैं डिस्कस किया था एडमिट कार्ड लेके, ठीक है। और एडमिट कार्ड पे जो टेस्ट सेंटर और टाइम एंड ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है, मेंशन रहेगा ये एडमिट कार्ड पे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आप लोग ये वन टाइम रिलैक्सेशन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने के लिए पेपर वन और पेपर टू के लिए इंटरेस्ट हो जरूर अप्लाई करना, आज शुरू हो चुकी है। और आप लोग इस वीडियो को पसंद किया तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने मत भूलिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा देना क्योंकि जब मैं और नया नोटिफिकेशन लेके वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।